सुगड़ दुलड़ होने सुके हम दुगुंगो दुखिया डिंडा मरे गीते गुंगो दुखिया डिंडा मरे आम। तो फाइनली हम लोग नीरलो का घर पहुंच चुके हैं। आज क्रिसमस है। हैप्पी क्रिसमस ब्रो। हैप्पी क्रिसमस ब्रो। तो हमारे पूरे फ्रेंड लोग आज फ्रेंड का घर है, इधर नीरल ब्रो है, तो इनका गांव आया है रंगा, गांव के सामने में है। तो आज हम लोग आए हैं इधर और साथ में आलू बम भी फोड़ने वाले हैं। इधर लाइटर है, आलू बम है, तो आज हम लोग दबा के फोड़ेंगे। तो कौन सा रास्ता में जाएंगे, इधर की उधर? इधर। तो हम लोग अभी राइट साइड में जा रहे हैं, एक बार कटहल करने आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग क्रिसमस मनाए बड़ी धूमधाम से, और हम लोग चर्च किए थे, 10 बजे तक खत्म हो गया। फिर निरल का विलेज आए थे, यहाँ पर भी चर्च हो रहा था, तो निरल लोगों का घर आके अपन को बहुत बढ़िया लगा। हम लोग बहुत ज्यादा नाचे गाए ना ब्रो। हाँ ब्रो, मजा आया एकदम, फुल मजा। तो दोस्तों आज सारे जगत में उधार करता है जीसस क्राइस्ट का लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो लोग काफी आज हर्षोल्लास के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आज घरों में क्या क्या बनता है ब्रो? ये हलवा पूड़ी पूड़ी, इसके बाद एकदम जोक, मतलब खाने में लोगों को एंजॉय लगता है क्या? हाँ, आरिसा पिट्टा, गुड़ पिट्टा, इसके बाद फिर ये जो टोंगा मिठाई बोलते है उला, इसके बाद मुर्गा। तो आज दोस्तों आज तो पूरा एंजॉय करोगे खाने पीने के लिए क्या ब्रो? हाँ ब्रो। तो क्या बोलते हैं, पर्व के त्योहार पे बहुत सारे लोग मतलब नशे वगैरह करते हैं, ये सब करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा मतलब हम लोगों को, दर्शक लोगों को थोड़ा बता दो। हम लोग क्रिश्चियन लोगों के लिए तो ये सब या नहीं करना चाहिए, नशा वगैरह सब। हम लोग सादा सीधे सादा जीवन, क्योंकि हम लोग मसीह नहीं सिखाते हैं कि नशा करो, ये वो करो, नशा करो, ये करो, दारू पियो, वो करो, नहीं सिखाता है मसीह है। आर यू राइट ब्रो? ये ब्रो ने अपन लोगों को बताया कि दोस्तों जो ड्रिंक होता है ना, एल्कोहल का सेवन, ये बॉडी में नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि खुदावन का कलाम में कहता है ना, एक चैप्टर में, कोई एक चैप्टर में लिखा है, जो मेरे द्वारा बनाए गए हुए बॉडी को नाश करता है, मैं उसे क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा बोलता है। आर यू राइट ब्रो? तो साथियों दोस्तों आज क्रिसमस का डे है, तो दोस्तों आज सारे लोग पूरा हर्षोल्लास के साथ आज लोग चर्चों में जाते हैं, लोगों को सेलिब्रेशन करते हैं, और आज पूरे धूमधड़ाके के साथ पूरे ऑल पूरा कंट्रीज में, सारे कंट्रीज में, दुनिया में जितने भी अवेलेबल है ना सारे, यहाँ तक कि दोस्तों प्रकृति भी उनकी इबादत करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बड़ी खुशी में, तो अभी हम लोग एकदम पहाड़ों के नेचर में आए, इधर पूरे खेत खेत पड़ते हैं, पूरे बहुत ज्यादा सखुआ साल का पेड़ मिलता है इधर में। तो अब भी हम लोग जो लोकेशन में आए ना, इधर में टावर भी नहीं पड़ता, तो इधर में फोन करने के लिए भी काफी परेशानी होती है। आज क्रिसमस के उपलक्ष पर कोई एक सा गाना गा दो लाइन। हम दुगुंगो दुखिया डिंडा मारे, हम गीते गुंगो दुखिया डिंडा मारे, सुगड़ दुलड़ होने सुके हम दुगुंगो दुखिया डिंडा मारे, गीते गुंगो दुखिया डिंडा मारे। तो दोस्तों ये गाना काफी हमारे विलेज क्षेत्र में तब्दील होते जा रहा है, और ये गाना बहुत ज्यादा चलता है, और हर बंदों का होट में ये गाना आप लोगों को अभी मतलब ये क्रिसमस के सीजन पर सुनने को मिलता है ना ब्रो? हाँ ब्रो। और अभी अगर आप लोग विलेज एरिया में जाएगा ना, तो अभी मतलब नागाड़ा, ढोलकी, रबगा और क्या क्या मांदर वगैरह से लोग काफी धमाल मचाते हैं। तो आज 25 तारीख है, तो आज रात में इस क्षेत्र में नाच वगैरह होगा ना? यस, इधर होगा नाच वगैरह इधर अगले गाँव में। तो दोस्तों साथियों आज पंडरी विलेज में हमारे निरल भाई बता रहे थे कि वहाँ पे आज नाच होगा, तो आज पूरे लोग झूमेंगे, और क्या बोलते हैं, आज जिस खुदा ने हम जगत में मनुष्य का पाप को हरने के लिए, यानी कि हम मनुष्य पाप करते हैं ना, उस पाप को ढूंढने के लिए इस जगत पर आया था, मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए, जो सही मार्ग है। हमारे जो जगत में होते हैं ना, मनुष्य लोग हमें बहुत बुरे बुरे मार्गों पर ले चलते हैं, परंतु एक खुदावन जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, और एक कुंवारी मरियम द्वारा उनके गर्भ में आया और पुत्र प्रसव किया, और उसका नाम इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उस बेटे यीशु ख्रीस्त का आज लोग
बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी खुशी में दोस्तों हम लोग भी आए हुए हैं और निरल भाई हम लोगों को इनवाइट किए हैं। तो आपका गांव आए तो आपको कैसे लग रहा है? एकदम बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। ये ब्रदर दोनों आ करके तो नहीं आएंगे ऐसे सोचे थे, पर पहले तो बताए थे कि आएंगे, इसीलिए अभी तक नहीं, बाद में देख रहे हैं कि बहुत देर तक नहीं पहुंचा है तो आएंगे कि नहीं बोल रहे हैं, इसके बाद में थोड़ी देर इंतजार किए, इसके बाद आ गए। तो फाइनली दोस्तों अपन लोग अगर जो भी डिसाइड करते हैं ना, अगर टाइम वक्त मिलता है तो एक्चुअली अभी छुट्टी भी है ना डे क्रिसमस के उपलक्ष्य पर, तो अपन लोग जाने का कोशिश करता है, पहुंचने का कोशिश करता है। और मैं आप सबको कुछ फ्लावर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, सरसों का खेती बार इधर में बहुत ज्यादा हुआ है, देखो काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। ये हमारे ये निरल ब्रदर लोग गांव का ही किसी का खेत है, तो इधर में बहुत एकदम बड़े बड़े खेत देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों अभी हम लोग भी आलू बम वगैरह फोड़ते हैं और फड़ा क्या बोलते हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेशन तो हो चुकी है, और आप लोग भी इंजॉय रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और एक दूसरे को मदद करो कुछ भी काम में थोड़ा सही। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को भाई अभी फटाका फोड़ते हैं। हमारा जो निरल ब्रदर है तो ये फटाका फोड़ने वाले हैं, तो इससे पहले कभी ये आलू बम फोड़े हो? हाँ फोड़े हैं। वाह क्या बात है। तो आज हमारा निरल ब्रदर और हमारे पास एक दोस्त है, उसका नाम है जगन ब्रदर। तो जगन ब्रदर भी हमारे पास क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी दूर से आए हुए हैं हमारे इस विलेज में, तो आज इन दोनों बम फोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये बम कैसा आवाज करते हैं आप सबको भी दिखाने का कोशिश करेंगे। मैं एक बार बजाया तो हाथ में फोड़ गया था, ऐसा लगा मेरा कान का पर दौड़ गया, मगर दोस्तों आज उस एक्सपीरियंस को आज मैं आप सबको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे विलेज एरिया में बहुत बंदे लोगों का एक्साइटेड रहता है। मैं जब बचपन में होता ना ब्रो, हाँ ब्रो, तो मैं भी बहुत सारे फटकों को फोड़ता था, जैसे कि छोटे छोटे फटका होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं मुर्गा का फटाका बोलते हैं, हाँ एकदम मिर्ची की तरह रहता है, उसको फोड़ते थे और काफी डरते थे, और धीरे धीरे इससे मुझ में भी क्या बोलते हैं पावर आने लगा। मैं भी अपने लोगों को देखता था, वे लोग हाथ में पकड़ के बजाते ना, तो मैं भी ट्राई किया, अरे उसके बाद मैं भी हाथों में बजाता था। तो दोस्तों आज हमारे ब्रदर भी बजाएंगे, दोस्तों आप सबों को दिखाते हैं ये बम कैसे बजता है। चलो फटाफट शुरू किया जाए। तो हमारे इस प्रकार आग नहीं लगा है, जल्दी नहीं जलेगा यार। तो देख सकते हो अभी आलू बम बहुत जल्दी फूटने वाला है। तो दोस्तों फाइनली हमारा आलू बम फूट चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज की ये पार्टी क्रिसमस की ओर से, और दोस्तों काफी अच्छा फील हो रहा है। तो फटाका फोड़ के कैसे लगा? बहुत बढ़िया। फटाका का आवाज कैसे रहा? एकदम धमाका। क्या बात है साथियों दोस्तों। तो आज सोचा जाए, निरल बोल रहे और एक बम फोड़ता हूं बोल रहा है, तो देखते हैं। और एक आलू बम इनके पास है, तो इस आलू बम का आवाज कैसा था देख लो भाई लोग, इतना बड़ा आलू बम है देखो, ये रही लाइटर। तो चलो और एक आलू बम फोड़ा जाए। तो फाइनली दोस्तों देखो ये रही लकड़ी, तो लकड़ी के ऊपर में अभी हम लोग रख लिए हैं, ये रही आलू बम और ये रही लाइटर। मम्मी बचा। तो देख सकते दोस्तों ये भी बच गई, और इधर रही देखो हम लोग कितना कितना दूर भाग गए थे दोस्तों, डर डर के चलते। डर लगा? क्या बात है यार। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को भी और आगे कुछ होता है तो आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा स्टॉप करते हैं और ब्रेक करते हैं। रोटी वगैरह में आ रहे। तो
तो फाइनल के दोस्तों नितम लानको पार्टी ये तो दाले नितम लानको ले जम लिया एकदम मस्त मस्त लानको भैये कना तो लानको पार्टी तने दाले जम लिया आप पे ले लकान के तैन भाई। तो फाइनली दोस्तों अभी चर्च से निकल गए, तो चर्च से निकलने के बाद अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो रहा है, तो सारे विश्वासी लोग क्या क्या बना के लेके आए हैं, तो अभी यहाँ पे बाटा बाटी हो रहा है और हम लोगों को दिया जा रहा है और हम लोग खा रहे हैं तो दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों सामूहिक में लोग एक जगह बैठ के खाते हैं तो अच्छा फील होता है दोस्तों। तो साथियों आप लोगों को हमारा विलेज का क्रिसमस कैसे लगा, हम ऐसे ही गांव घर में ऐसे क्रिसमस मनाते हैं दोस्तों छोटे ग्रुप में।